हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन। वंस अगेन सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को ईद के शुभकामनाएं। माय मस्त किचन में आज मैं ईद स्पेशल फीस्ट बनाने जा रही हूँ। आज के रेसिपीज है चिकन हालिम और सवैया। हालिम एक बहुत ही स्वादिष्ट, स्पाइसी और रिच डिश होता है जो बोनलेस मीट से बनाया जाता है। आज मैं इसे थोड़ा सा लाइट बनाने की कोशिश करूंगी। तो लेट्स मूव माय मस्त किचन टू प्रिपेयर चिकन हालिम और सवैया। चिकन हलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिए हैं। चिकन को हमें प्रेशर कुकर में कुक करना है, तो एक प्रेशर कुकर में चिकन को डाल दें और चिकन के साथ प्रेशर कुकर में एक कप पानी डाल दें। करीब एक छोटी चम्मच नमक डाल दें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। चम्मच से एक बार मिक्स कर दें। अब ढक्कन को बंद करें और कुकर को गैस पर चढ़ा दें। पहले हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे और एक विसल आने तक चिकन को कुक करेंगे। विसल आ गया है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर कुकर में चिकन को आधा घंटा के लिए पकाएंगे। आधा घंटा बाद गैस बंद कर देंगे और कुकर को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। इस तरह कुकर में कुक करने से चिकन बहुत अच्छी तरह पक जाता है, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। हलीम बनाने के लिए हमें ऐसे ही सॉफ्ट चिकन चाहिए। अब हम चिकन को ऐसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम चिकन का जो फ्लेश है वो बोन से अलग कर लेंगे। ऐसे हाथों से बोन से चिकन का फ्लेश को अलग कर लेंगे। एक दूसरा बर्तन में चिकन का सारे फ्लेश अलग करके रख देंगे। ऐसे हमने सारे चिकन को बोनलेस कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो चिकन स्टॉक और बोन का मिक्सचर है इसे हम छान लेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन ले लेंगे और इस बर्तन के ऊपर हम छालनी रखेंगे और इस छालनी में ऐसे हम स्टॉक को छान लेंगे। वैसे हलीम बनाने के लिए आप बोनलेस चिकन भी खरीद सकते हैं, पर बोन के साथ चिकन स्टॉक जो है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। ऐसे बोन से हम सारे चिकन स्टॉक स्क्वीज़ कर लेंगे। चिकन बोन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। चिकन स्टॉक और चिकन फ्लेश को हम हलीम बनाने में यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट करने हैं। इसके लिए एक छलनी में 8 छोटी इलायची, 8 लौंग, 2 इंच स्टिक दालचीनी, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच तिल और 2 सूखा लाल मिर्च, 2 बड़ी चम्मच मसूर दाल, 2 बड़ी चम्मच उड़द दाल, 2 बड़ी चम्मच चना दाल, 2 बड़ी चम्मच मूंग दाल। सारी दाल को पहले तौलिया से क्लीन कर लिए हैं। इसके साथ लेंगे 3/4 कप दलिया, आधा कप ओट्स और 1/4 कप ब्राउन राइस। अब इन सारी चीजों को ऐसे छान लेंगे ताकि बचे कुछ डस्ट जो है वो निकल जाए। अब एक पैन में इन सारी चीजें ऐड कर दें और इसके साथ 2 बड़ी चम्मच आलमंड बादाम भी ऐड कर दें और इन सारी चीज़ों को करीब 5 मिनट के लिए रोस्ट करते रहें। पाँच मिनट बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दें। अब हम प्याज बेरेस्ता बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। इसे स्लाइस में काट लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें सारे स्लाइस की हुई प्याज को छोड़ देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज में हम आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, प्याज बेरेस्ता का स्वाद अच्छा होता है और ये जल्दी फ्राई हो जाता है।
हमारा प्याज बिरस्ता बनकर तैयार हो गया है, इसे हम अब साइड में रख देंगे। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम ड्राई रोस्ट करके रखे थे, इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। इन सारे ड्राई रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर जैसे ही बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये फाइन पाउडर जैसा ही बना है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम फाइनल स्टेप में जाएंगे। इसमें एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो जाने पर 1 बड़ी चम्मच अदरक पेस्ट और 1 बड़ी चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन दोनों पेस्ट को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट बाद हम कढ़ाई में चिकन फ्लेश ऐड कर देंगे। चिकन फ्लेश को अदरक लहसुन पेस्ट के साथ करीब 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद इसमें प्याज बिरिस्ता ऐड कर देंगे। बिरिस्ता को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और करीब 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में करीब 1/2 कप धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, मिक्स कर दें। अब 1 ग्लास पानी ऐड कर दें। इसके साथ 2 हरी मिर्च ऐड कर दें और मिक्स कर दें। अब हम कढ़ाई में जो चिकन स्टॉक बना के रखे थे उसे ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब ड्राई रोस्टेड इंग्रेडिएंट्स पाउडर ऐड कर दें। इसे मिक्स कर दें अच्छी तरह। हमें इसमें तब तक पानी ऐड करते जाना है जब तक इसका कंसिस्टेंसी हलीम जैसा ना हो। चम्मच को ऐसे लगातार चलाते हुए मसाला पाउडर को मिक्स कर दें। करीब 1 ग्लास पानी और ऐड कर दें, मिक्स कर दें। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। ध्यान रखें कि चिकन स्टॉक में भी नमक है, तो नमक ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे और करीब 30 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे। बीच बीच में हम चम्मच से ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करके फिर मिक्स करते रहेंगे। 30 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और एक मैशर से ऐसे मैश करते रहेंगे। चिकन हमारा ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है, अभी ऐसे मैश करने से वो बिल्कुल हलीम जैसा सिल्की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ऐसे हम 3-4 मिनट के लिए मैश करते रहेंगे।
मैश करने के वक्त थोड़ा सा घी भी ऐड कर देंगे। इसमें स्वाद और भी अच्छा होता है और घी का खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन हलीम जो है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। एक बार चम्मच को अच्छी तरह चला देंगे और उसके बाद हलीम में करीब 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। इस बार हम घी को चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही मेल्ट होने देंगे और इसके साथ कढ़ाई को ढक देंगे। गैस बंद कर देंगे और सर्व करने से पहले हलीम को ऐसे ही 15 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और एक सर्विंग बोल में शिफ्ट करने से पहले अच्छी तरह चम्मच से हलीम को चला देंगे। अब सर्विंग बोल में शिफ्ट कर देंगे। दो बड़े चम्मच घी ऐसे मेल्ट करके ड्रिजल कर देंगे। अब धनिया पत्ता और बॉयल्ड एग के साथ हलीम को गार्निश करेंगे। बॉयल्ड एग को मैंने ऐसे स्लाइस कर लिए हैं, आप पूरा पूरा बॉयल्ड एग या आधा बॉयल्ड एग के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का चिकन हलीम रेसिपी। इसके साथ हम डिजर्ट में चलिए सेवैया बनाते हैं। सेवैया बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम 1/2 लीटर दूध ऐड करेंगे। दूध फुल फैट हो तो अच्छा है। अब हम दूध में 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को दूध के साथ एक बार मिक्स कर दें और दूध को उबालने दें। दूध उबाल गया है, चीनी भी डिसॉल्व हो गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और धीमी आंच पे दूध को 4 से 5 मिनट बॉयल होने देंगे। अब एक दूसरा बर्नर में एक और कढ़ाई चढ़ाएं और इसमें 2 बड़ी चम्मच घी मेल्ट करें। घी मेल्ट हो जाने पर इसमें 2 बड़ी चम्मच काजू बादाम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही 3/4 कप सेवैया ऐड कर देंगे। ये सेवैया मैंने बाज़ार से नॉर्मल जो पैकेट में मिलता है वही लाई हूँ। ये भुना हुआ नहीं है, सफ़ेद सेवैया है। इसे अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। चम्मच को ऐसे फ्रिक्वेंटली चला करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे 3-4 मिनट ही लगता है। अब हम देख सकते हैं कि सेवैया गोल्डन ब्राउन रंग के हो गए हैं और इसके साथ काजू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस हम इसे यहाँ तक ही फ्राई करेंगे। चम्मच को ऐसे लगातार चला करके ही ये फ्राई करना चाहिए, नहीं तो ये तले में जल सकता है। अब हम इसे साइड में जो दूध उबल रहा है उसमें ऐड कर देंगे। अब सेवैया को ऐसे ही दूध में 10 मिनट के लिए उबालने देंगे और चम्मच को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में जल सकता है और फ्लेम जो है वो लो पर ही है। इसे ऐसे ही पकाते रहें, इसमें दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और सेवैया भी सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक ये पक रहा है तब तक हम 2 और इम्पॉर्टेंट काम कर लेंगे। 3 छोटी इलायची को ऐसे क्रश कर लेंगे। इसे पूरी तरह पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा दानेदार रहने देंगे। और अब 3/4 कप दूध में 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर अच्छी तरह मिक्स करके रखेंगे। दस मिनट बाद सेवैया काफी सॉफ्ट हो गया है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। इसे ऐसे चम्मच से बीच बीच में चलाते हुए इसे पका लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका कंसिस्टेंसी नोटिस करें। दूध बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अब हम इसमें जो छोटी इलायची कूट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। इसमें जो छोटे छोटे दाने हैं वो इसमें अच्छा लगता है। अब ये दूध ऐड कर देंगे जिसमें मिल्क पाउडर घोल के रखे थे। अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर देंगे।
दोस्तों ऐसे मिल्क पाउडर मिक्स करके ऐड करने से सवैया का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। गाढ़ा दूध और खोया टाइप का स्वाद आता है इसमें। अब हम फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने तक कुक करेंगे। एक उबाल आ जाने पर फ्लेम बंद कर देंगे और सेवैया को ढक देंगे और इसे सर्व करने से पहले 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रखेंगे। 15 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसे एक बार चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हमारा सेवैया बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा सेवैया बने हैं। इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट करें और सर्व करें। इसे गर्म, ठंडा, रूम टेम्परेचर में कैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के रेसिपीज। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।